गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन शर्मा। टुडे वील कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 14 बायोटेक्नोलॉजी। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स देखी थी, जो कि अपनी क्या थी, बायो सेंसर। ठीक है, आज उससे आगे अपन नई टेक्निक लेकर आ रहे हैं, जो कि है अपनी बायो चिप। ठीक है, बायो चिप्स। इसके अगर अपन देखें तो इसका क्या है, अदर नेम है इसको, अगर अपन देखें तो डीएनए चिप बोल सकते हैं। ठीक है, डीएनए चिप, या फिर इसको अदर नेम और होता है एक डीएनए माइक्रो एरी। ठीक है, ये इसके तीन नेम है, इन तीनों नेम में से अपन इसको किसी भी नेम से बुला सकते हैं। ये होता क्या है, ठीक है, ये क्या होता है कि देखो, इसके अंदर एक सॉलिड बेस होता है जिसके ऊपर ये चिप बनाई जाती है। सॉलिड बेस है, सॉलिड बेस के ऊपर क्या होते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एक सॉलिड बेस होगा, एक आपने इस तरीके सॉलिड बेस हो गया, इस सॉलिड बेस के ऊपर क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत सारे डीएनए प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चिप बनाई जाती है। अब ये होती क्या है, अपन इसको यूज में क्यों लेते हैं, मेन बात ये आती है, अगर डीएनए चिप है, ठीक है, तो वो क्या की जाती है कि रिसर्च में यूज में ले जाती है, किसके स्टडी की जाती है, किसी एक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में क्या हो कि एक से ज़्यादा जीन के एक्सप्रेशन को अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, मोर देन वन जीन, ठीक है, स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ मोर देन वन जीन एट ए टाइम। ठीक है, एक टाइम के ऊपर ये क्या की जाती है, इसके अंदर एक से ज्यादा जीन की एक्सप्रेशन की स्टडी की जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो बेस होता है, जो मैंने कहा एक सॉलिड बेस होगा, सॉलिड बेस के ऊपर ये चिप बनाई जाएगी, तो सॉलिड बेस होता है, ठीक है, जो बेस लिया जाएगा, बेस क्या होगा, बेस सॉलिड होता है, वो हो सकता है आपका सिलिका क्वार्ट्ज का। ठीक है, सिलिका क्वार्ट्ज का हो सकता है, या फिर आपके ग्लास स्लैब हो सकती है, ठीक है, या फिर प्लास्टिक हो सकता है। ये तीनों में से किसी भी तरीके से बेस पर अपन ले सकते हैं, और ये बेस जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है, जो रिसर्च की जा रही है या फिर जो अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट की रिएक्शन के बेस पर। ठीक है, अगर अपन देखें इसके अंदर क्या होते हैं कि जीन चिप बोलो या फिर अपने बायोचिप, ये दो टाइप के इसके अंदर होती है। ठीक है, टाइप्स देखें इसके, तो टाइप्स के अंदर ये दो होती हैं। पहली होती है आपके जीन माइक्रो एरी। ठीक है, जीन माइक्रो एरी होती है, इसके अंदर क्या होते हैं कि एक बेस होगा, सॉलिड बेस होगा, जैसे अपन ने देखा था बायोचिप के अंदर क्या होता है, सॉलिड बेस होता है, इसके ऊपर जो अपना स्टाम्प लगता है, स्टाम्प सबने देखा होगा कि एक लिफाफा होता है जिसके अपन पोस्ट करते हैं, उसके ऊपर एक स्टाम्प लगाया जाता है जिसके ऊपर एक रुपये, दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये, इस तरीके से लिखे हुए रहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एक सॉलिड बेस होगा। ठीक है, इस सॉलिड बेस के अंदर क्या होंगे, एक स्टाम्प से भी छोटा क्या होगा, एक एरिया होगा, उस एरिया के अंदर क्या होती है कि लगभग 4 लाख, ठीक है, 4 लाख क्या होते हैं, सेल्स बनी होती हैं। ठीक है, 4 लाख सेल्स होती हैं। अब सेल्स कौन सी, ये अपने ह्यूमन सेल्स नहीं, चेंबर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, इस तरीके से मैं बड़ा करके बता देता हूं एक बार, इस तरीके से क्या होंगे, इस तरीके से चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से चैम्बर्स होंगे, इन चैम्बर्स में क्या होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स
स्टेब्लिश होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो मिलता है अपन को यहाँ पर, ठीक है, इनके अंदर सेल्स में क्या मिलते हैं, सी डी एन ए, ठीक है, इनके अंदर क्या मिलेगा अपन को, सी डी एन ए, ठीक है। अब ये सी डी एन ए है क्या, नया वर्ड आया है, ठीक है। सी डी एन ए क्या होता है, सी डी एन ए का फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मीन्स ये होता है कि जैसे अपने क्या है कि डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रैंड तो क्या हो गया, ये ए हो गया और एक स्ट्रैंड ये बी हो गया, ठीक है, दो स्ट्रैंड हो गए। तो इसके अंदर क्या होगा, ए स्ट्रैंड की जितनी भी सीक्वेंस है उसकी अपोजिट जो सीक्वेंस होगी वो कहाँ पर है, बी पर। जैसे इसके अंदर क्या है, ए है, ठीक है, तो ए का अपोजिट क्या होगा, टी, तो इसका अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, सॉरी जी। अगर यहाँ पर सी है तो इसका क्या होगा, टी, तो इस तरीके से क्या होगा, अपोजिट। तो ये बी क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, बी क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि इसके अंदर क्या मिलते हैं हमें, कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए मिलते हैं, ठीक है, समझ में आया। जीन माइक्रोएरे में क्या होंगे, लगभग 400,000 सेल्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं, किसके अंदर, एक स्टैम्प के साइज से, ठीक है, इसके अंदर अपने सी डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो कि अपने क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने माइक्रोएरे आती है सेकेंड, वो होती है प्रोटीन माइक्रोएरे, ठीक है, प्रोटीन माइक्रोएरे। अगर अपन देखें प्रोटीन माइक्रोएरे के अंदर तो ये क्या होते हैं, इसको यूज में लिया जाता है किसी भी प्रोटीन की एक्सप्रेशन, ठीक है, और उसकी रिएक्शन, उसका फंक्शन क्या है, उसकी स्टडी देखने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोटीन माइक्रोएरे। समझ में आया, जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, किसी भी प्रोटीन की फंक्शन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या वर्क करता है, उसकी स्टडी के लिए क्या किया जाता है, प्रोटीन माइक्रोएरे यूज में लिया जाता है। समझ में आया, सिंपल सी बात है। इसके अंदर जो बेस होता है, इसके अंदर जो बेस लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या लिया जाता है, नाइट्रो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, ठीक है, डिफरेंस आ गया। इसके अंदर अपन ने क्या लिए थे, सॉलिड बेस लिया था, किसका, सिलिका का ले रहे हैं, ग्लास स्लैब का ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रोटीन माइक्रोएरे के अंदर क्या ले रहे हैं अपन, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, किसी भी प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन है, फंक्शन है, वो स्टडी करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोटीन माइक्रोएरे को यूज में लेते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये अपने बायोचिप है, ठीक है, अपन को देखो बेटा, एक स्मार्ट स्टडी होती है, ठीक है, और एक नॉर्मल स्टडी है। नॉर्मल स्टडी के अंदर आपको जो सिलेबस दी गई है, जो बुक दी है, पूरा रटना होता है, लेकिन एक स्मार्ट स्टडी है, इसका मींस आपके एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम में कौन कौन सा पार्ट आ सकता है उससे रिलेटेड अगर अपन देखें तो अपने क्या होगा, टाइम बचेगा, ठीक है, और अपने क्या होगा, लिमिटेड कोर्स को अपन ज़्यादा ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं अपनी, ये तीनों के तीनों, इसके बाद में अपने क्या आएंगी, बायोफिल्म, जो तीन मेथड हैं वो लर्न करने वाले हैं। बाकी इस चैप्टर के अंदर कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिससे अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप हो सके, ठीक है। तो अपन तीनों जो मेथड्स हैं इनको डिटेल से लर्न करना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अपन देखें नेक्स्ट जो अपने पास में मेथड है, या फिर अपन कहें नेक्स्ट टेक्निक है, वो क्या है आपकी, बायोफिल्म, ठीक है, कौन सी है, बायोफिल्म।
अब ये मत बोल देना कि ये एक फिल्म है तो जिसको अपन एक टीवी के अंदर लगा कर अपन देखते रहे, ठीक है? नहीं, ये क्या होती है बायोफिल्म, एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, या फिर कंप्राइज ग्रुप होता है, किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये क्या होता है? एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? एक ग्रुप होगा। किस पर? किसी भी सरफेस पर, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, ठीक है, ऑन द लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस, ठीक है। देखो ये अपने क्या होते हैं, इस तरीके से अपन को समझ में नहीं आएगा, इसका एक अच्छा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको एग्जांपल जैसे ही मिलेगा आपको इजीली समझ सकोगे बायोफिल्म क्या है, ठीक है। आप नाइट को क्या होते हैं, अपन खाना खाते हैं, सभी खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद अपन सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो अपने जो टीथ है, टीथ के ऊपर एक लेयर आ जाती है जो कि क्या है, स्लाइमी होती है, ठीक है, समझ में आया? टीथ के ऊपर एक लेयर आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्लाइमी लेयर हो जाती है। अगर अपन टंग से उसको टच करें तो बिल्कुल स्लिपरी होती है, जिसको अपन ब्रश करके हटाते हैं डेली। तो वो जो लेयर है वो क्या है? बायोफिल्म, ठीक है। वो कैसे? उसके ऊपर क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, फंगस हो सकती है, ये सब की सब क्या होती है? एक लेयर करती है, ठीक है। जैसे अपने क्या है, ये सरफेस है, सरफेस पे क्या हो गए? बैक्टीरियाज आ गए, ठीक है, या फिर कोई फंगस ग्रो कर रही है, तो वो क्या हो गई है? अपनी एक बायोफिल्म हो गई है, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर दूसरा एग्जांपल लें, अपने घरों के अंदर अभी क्या है, रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में क्या होगा, कोई पार्ट ऐसा होगा अपने घर का जिसके अंदर क्या होता है, डेली थोड़ा थोड़ा पानी आकर गिरता रहता है, ठीक है, होता है सभी के घरों में, कोई भी या फिर बाहर हो सकता है। तो आप देखोगे कि कुछ ड्यूरेशन के बाद में वहां पर क्या हो गया, ग्रीनरी आ जाती है, ग्रीन एरिया कवर कर लेता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, कि भाई काई लग गई या फिर फंगस ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, सरफेस एरिया है, उसके ऊपर उसने क्या किया, फंगस ने ग्रो कर लिया, ठीक है। तो वो एक टाइप की क्या हो गई, बायोफिल्म। कोई भी ग्रुप, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या कर रहा है, किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर वो ग्रो कर सकता है। यहाँ पर अपन ने देखा टीथ, देखा लिविंग में आ जाता है, लेकिन अगर अपन देखें घर के बाहर फर्श के ऊपर, वो नॉन लिविंग पे आ जाता है, आ जाता है ना। तो लिविंग या नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, अपनी बायोफिल्म, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जनरल लैंग्वेज में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, बुक की लैंग्वेज रटकर कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना होता है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे बेस्ट मार्क मिलेंगे, ठीक है। अब अपन देखें इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं, और एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे अपने क्या होता है, कोई भी पॉन्ड है, ठीक है, वाटर का एरिया भरा हुआ है, उसके अंदर क्या होगा, उसके सरफेस, उसके जो किनारे होते हैं चारों तरफ, उसके ऊपर भी क्या होती है, ग्रीनरी आ जाती है, ठीक है, अपने क्या होता है, ग्रीन सरफेस होती है जो कि स्लिपरी होती है, जहाँ पर अपन जाएंगे तो स्लिप हो जाती है, तो वो सब क्या है, बायोफिल्म। बायोफिल्म काम क्या आती है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, देखो बायोफिल्म का मेन फंक्शन क्या होता है, आपके जो वाटर है उसके अंदर आकर कोई भी कंटामिनेशन आ रहा है या फिर सडन कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये बायोफिल्म यूज में ली जाती है। पॉन्ड है, बिल्कुल क्लीन वाटर है, तो क्या होगा, आपके बायोफिल्म डेवलप हो जाएगी, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, उसके अंदर पॉल्यूशन आ गया, तो बायोफिल्म चेंज हो जाएगी, हो सकता है उसके अंदर अलग फंगस आ जाए, ठीक है, या फिर अलग बैक्टीरियाज ग्रो कर जाए। तो ये सब क्या होते हैं, सडन चेंजेस को मेजरमेंट करने के लिए बायोफिल्म यूज में ली जाती है। आज इस चैप्टर के अंदर अपना ये चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के अंदर, लास्ट के अंदर कुछ इसके स्कोप्स वगैरह दिए गए हैं या फिर कुछ अपने बॉटनिकल पार्क दिए गए हैं, वो अपने बोर्ड के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल भी क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। आप उसके अंदर कुछ टेबल्स दी गई हैं, बुक से वो टेबल्स देखेंगे और उन्हें नोट डाउन करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसका चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे,
तब तक के लिए थैंक यू।